छोटी काशी मंडी में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव देव संस्कृति का प्रतीक है और ये महोत्सव पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस महोत्सव का मंडीवासी साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं और अब ये घड़ी नजदीक आने वाली है। आगामी 14 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व है और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ 15 फरवरी से होगा। 7 दिवसीय इस महोत्सव के लिए प्रशासन एवं मेला समिति स्थानीय जनता के सहयोग से इस मेले को पिछले अनुभवों की तुलना में और बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। शहर में रंग रोगन, सड़कों व नालियों की मरम्मत का कार्य पूरे जोरों शोरों पर चल रहा है। उपायुक्त मंडी एवं मेला समिति अध्यक्ष ऋग्वेद ठाकुर ने मेले की तैयारियों को लेकर बताया कि मेला समिति मेले की तैयारियों में पूरी जोरों शोरों से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मेला समिति का पूरा प्रयास है कि इस बार मेले के दौरान देवी देवताओं को उनके साथ आने वाले कारधारों तथा बाहर से आने वाले व्यापारियों और मेला देखने आने वाले लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। इस बार जो शिवरात्रि महोत्सव है उसकी हमारी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही है। जहां पर हमारे जो विभिन्न प्रकार की जो कमिटीज हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटीज और भी आगे बढ़ाई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो स्टार कलाकार हैं उनका चयन किया गया है तथा जो लोकल कलाकार है, जो नए कलाकार है, उनके लिए ऑडिशन जो है 7 तारीख से रखे हुए हैं, जो कि डायट में इस बार रखे हुए हैं। साथ ही बाकी भी हम कलाकार जो है यहाँ के मंडी के और पूरे हिमाचल के, उनको भी धीरे धीरे से इसमें जोड़ रहे हैं और एक शेड्यूल बना रहे हैं पूरे 6 दिन की सांस्कृतिक संध्या का। देवता कमेटी के साथ भी हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और वो भी पूरा जो उनकी व्यवस्था है वो भी देखी गई है। और बाकी जो शहर में जो रास्ते जो खराब थे उसका भी कार्य चला हुआ है, युद्ध स्तर पर चला हुआ है और पूरा जो है वो शिवरात्रि के पहले जो है खत्म हो जाएगा। बाकी भी हमारी जो कुछ फ्लैग बैनर्स है, बाकी भी उसको डेकोरेशन का कार्य वो भी चला हुआ है। लाइटिंग्स इस बार हमने लिया हुआ है कि पूरी मंडी को जो है वो लाइट लगाए जाएंगे, तो उसका कार्य भी चला हुआ है और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में शिवरात्रि से पहले ये खत्म हो जाएगा, तो एक अच्छा नजरिया जो है वो लोगों को देखने मिलेगा।